Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल SB मेडिसिन में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेगनेंसी में सेक्स करना चाहिए कि नहीं, या कब तक सेक्स कर सकते हैं, यानी प्रेगनेंसी में कितने दिन तक सेक्स करना सेफ है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वैसे तो प्रेगनेंसी में सेक्स करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर पेट पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ना चाहिए। इसमें डॉक्टर्स आपकी प्रेगनेंसी के कंडीशन के अनुसार आपको सलाह देते हैं कि आपको सेक्स करना है या नहीं। बहुत सी बार क्या होता है कि बहुत सी महिलाओं को पहली बार प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भपात यानी मिसगैरेज हो गया था, या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ था, या प्लेसेंटा नीचे की तरफ है, तो उस समय डॉक्टर आपको शायद शुरू के महीने से सेक्स करने के लिए मना कर दे, क्योंकि उस स्थिति में आपके प्लेसेंटा यानी गर्भाशय का मुंह खुला हुआ हो तो गर्भपात होने के चांस बढ़ जाते हैं, और अगर आप कंडोम का यूज नहीं करते हो तो इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है, या फिर हो सकता है कि हल्की ब्लीडिंग हो जाए। तो इन सभी खतरों से बचने के लिए डॉक्टर्स आपको सेक्स के लिए शायद मना कर दें। अगर आपके पहले ऐसी स्थिति नहीं हुई है, आपकी पहली प्रेगनेंसी है, या पहली प्रेगनेंसी अच्छे से हो गई है, तो सेक्स बिल्कुल 13 से 28 हफ्ते तक बिल्कुल सुरक्षित है। और एक्सपर्ट्स के अनुसार तो सेक्स डिलीवरी के एक दिन पहले तक भी आप कर सकते हो। बस उस स्थिति में ध्यान रखें कि पेट पर दबाव न पड़ने के साथ साथ हल्का और सुरक्षित सेक्स हो, क्योंकि उस समय महिलाओं को पोजीशन की प्रॉब्लम रहती है। तो आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि आप 8वें और 9वें महीने में सेक्स ना करें। पर एक बात जरूर ध्यान रखें कि हर महिला का शरीर, दिमाग और प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। अगर वो सेक्स करना चाहती है या सेक्स के दौरान अच्छा फील कर रही है तो वे आराम से सेक्स कर सकती है। रिसर्च में तो इतना तक बताया गया है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप लास्ट मंथ तक सेक्स कर सकते हो, और उस सेक्स से आपका बेबी काफी एक्टिव फील करेगा। बहुत सी महिलाओं को लगता है कि प्रेगनेंसी में डेली सेक्स करने से उनका बेबी समय से पहले हो जाएगा, यानी उन्हें डर रहता है कि सेक्स करने से कहीं उन्हें प्री मेच्योर डिलीवरी ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और फ्रेंड्स, अगर सेक्स करने के दौरान किसी महिला को ज्यादा ही पेट दर्द होने लग गए हैं, वेजाइना में सूजन आ गई है, या हल्की ब्लीडिंग होने लग गई है, या और भी कोई प्रॉब्लम हुई है, तो उस समय आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें और समय समय पर अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी जरूर करवाएं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।